please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. असुविधा के कारण चलो थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगे, फिर इधर उधर की कोई भी चीज लेकर के चला लेना और गाड़ी फिर निकल जाए, फिर बीमार हो जाए और गंभीर बीमारी होने तक उसको पता ही न चले। इस स्थिति को बदलने के लिए इस बजट में भारत सरकार ने हिंदुस्तान के 22,000 पंचायतों में आंकड़ा शायद कुछ मेरा गलती हो गया, 1.5 लाख या 2 लाख जहां पर हम वेलनेस सेंटर करने वाले हैं, वेलनेस सेंटर, ताकि अगल बगल के 2-3 गांव के लोग उस वेलनेस सेंटर का लाभ उठा सके और उस वेलनेस सेंटर से वहां पर मिनिमम पैरामीटर की चीजें, व्यवस्थाएं, स्टाफ उपलब्ध होना चाहिए। ये बहुत बड़ा काम ग्रामीण हेल्थ सेक्टर को इस बार बजट में हमने घोषित किया है। वेलनेस सेंटर का करीब करीब हिंदुस्तान की सभी पंचायत तक ये पहुंचने का हमारा प्रयास है। और जो मैं 22,000 कह रहा था वो किसानों के लिए, हम आधुनिक मार्केट के लिए काम करने वाले हैं देश में, ताकि अगल बगल के 12-15-20 गांव के लोग उस मंडी में किसान आकर के अपना माल बेच सके। तो हर पंचायत में वेलनेस सेंटर और एक ब्लॉक में 2 या 3 करीब करीब 22,000 किसानों के लिए खरीद बिक्री के बड़े सेंटर्स, तो ये दोनों तरफ हम काम ग्रामीण सुविधा के लिए कर रहे हैं। लेकिन इससे आगे एक बड़ा काम, हमारे देश में बीमार व्यक्ति की चिंता करने के लिए हमने कई कदम उठाए, होलिस्टिक कदम उठाए हैं, टुकड़ों में नहीं। जैसे एक तरफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दूसरी तरफ अस्पताल बनाना, मेडिकल कॉलेज बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, तीसरी तरफ आज गरीब को अगर बीमारी घर में आ गई, मध्यम वर्ग का परिवार हो, बेटी की शादी कराना तय किया हो, कार खरीदना तय किया हो, बस अगली दिवाली में कार लाएंगे तय किया हो और अचानक पता चले कि परिवार में किसी को बीमारी आई है तो बेटी की शादी भी रुक जाती है, मध्यम वर्ग का परिवार कार लाने का सपना बेचारा छोड़कर के साइकिल पे आ जाता है और सबसे पहले परिवार की व्यक्ति की बीमारी की चिंता करता है। अब यह स्थिति, इतनी महंगी दवाइयां, इतने महंगे ऑपरेशन, मध्यम वर्ग का मानवीय भी टिक नहीं सकता है। इस सरकार ने विशेष करके, क्योंकि गरीबों के लिए कई योजनाएं हैं लाभ, लेकिन मध्यम वर्ग के लिए असुविधा हो जाती है। हमने पहले अगर हार्ट की बीमारी होती है, स्टेंट लगाना होता था तो उसकी कीमत 1-1.5 लाख, 1.5 लाख होती थी और वो बेचारा जाता था डॉक्टर को, पूछता था साहब स्टेंट का, तो डॉक्टर कहता था ये लगाओगे तो 1.5 लाख, ये लगाओ तो 1 लाख। फिर वो पूछता था साहब ये दोनों में फर्क क्या है, तो वो समझाता था कि 1 लाख वाला है 5 साल तो निकाल देगा, लेकिन 1.5 लाख वाले में कोई चिंता नहीं, जिंदगी भर रहेगा।